बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोज आज हम लीगल वर्ड्स और टर्म्स के हवाले से ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 13 वर्ड्स जो हैं लीगल टर्म्स या वर्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि लॉ के अंदर यूज़ होते हैं या जजमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। हम इनको विद रेफरेंस टू दी लीगल पार्लेंस ही इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहला वर्ड है मीमो ऑफ अपीयरेंस। मीमो ऑफ अपीयरेंस यूज होता है विद रेफरेंस टू दी सिविल सूट्स। ये इट इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ सू करें या एप्लीकेशन करें विच इज प्रेजेंटेड बिफोर द सिविल कोर्ट। उस सूरत में जब एक लॉयर का वकील जिसको उसके क्लाइंट ने ऑथोराइज किया होता है, लेकिन क्लाइंट जो है फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल नहीं है, वो अब्रॉड है या इतने डिस्टेंस पे आ नहीं सकता ताकि पावर ऑफ अटर्नी वकालतनामा जमा करवा सके, इस इंटरवल के अंदर वो एक रिक्वेस्ट पेश करता है मीमो ऑफ अपीयरेंस के जरिए, जो कि ऑर्डर 3 सब रूल 4 और उसका सब रूल 5 के तहत प्रेजेंट करता है कि फॉर द टाइम बीइंग टिल द मोमेंट कि मेरा वकील साहब क्लाइंट तशरीफ ले आता है और मुझे पावर ऑफ अटर्नी पे साइन लगा देता है, अंगूठा लगा देता है, तो मैं पेश करता हूँ, मुझे पेश होने की इजाज़त दी जाए। ऑर्डर 3 सब रूल 4 सब रूल 5 यही कहता है कि या तो आप पावर ऑफ अटर्नी के जरिए पेश हो सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट या फिर मीमो ऑफ अपीयरेंस के हवाले से। तो ये मीमो ऑफ अपीयरेंस जो टर्म यूज होती है विद रेफरेंस टू दी सिविल सूट जो है इस्तेमाल होती है। आगे एमिकस क्यूराई। एमिकस क्यूराई को जो लिटरल मीनिंग है इसका वो ये है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, लेकिन जब हम इसको एज अ टर्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो बुनियादी तौर पर एमिकस क्यूराई वो शख्स है जिसको अदालत रिक्वेस्ट करती है कि आप तशरीफ लाएं और हमें असिस्ट करें, अपनी लीगल जो एक्सपर्टीज हैं या किसी भी फील्ड के अंदर आपकी एक्सपर्टीज हैं जो कि अंडर डिस्कशन है कोर्ट के अंदर, और अपना ब्रीफ दें। अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जहां पर टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से जब केस जो है वो अदालत के अंदर आया तो अदालत ने एक डॉक्टर साहब को बतौर एमिकस क्यूराए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट या बतौर असिस्टेंट जो है वो बुलाया। लेकिन ये जो एमिकस क्यूराए है इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट के उसके ब्रीफ पर रिलाई करती है या नहीं करते। ये एमिकस क्यूराए जो है वो महज एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक असिस्टेंट ऑफ द कोर्ट के तौर पर आता है। He has nothing to do with the parties. इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तीसरा लफ्ज है mutatus mutandis। ये mutatus mutandis हम आए रोज देखते हैं कि हर लॉ के अंदर ये लफ्ज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर या सीपीसी या सीआरपीसी इस्तेमाल होता है, जैसा कि सेक्शन 25 ऑफ सीएनएसए 1997 के अंदर यूज होगा के सीआरपीसी की प्रोविजन एक्सेप्ट सेक्शन 103 शेल अप्लाई म्यूटेटस म्यूटेंडस एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शन 21 22 23 और 24 ऑफ द सीएनएसए। इसका मतलब यह है कि एज इट इज विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशंस। जब सेक्शन 25 हम पढ़ते हैं उसके अंदर यह लिखा गया कि ये जो सीआरपीसी की प्रोविजन है एक्सेप्ट सेक्शन 103 म्यूटेंटस म्यूटेंटस अप्लाई होंगे सीएनएसए पर। इसका मतलब ये है कि ये एस इट इज अप्लाई होगी एक्सेप्ट सेक्शन 103 और टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्शन 21 22 23 और 24 इनको अल्टर कर लिया जाएगा, मॉडिफाई कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सिंक्वाना। सिंक्वाना का मतलब ये है इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट, यानी एसेंशियल कंडीशन जिसके बगैर कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो एज पर लॉ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टिगेशन आपने कंडक्ट करनी है तो आप ये कह सकते हैं कि लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज सिंक्वानान फॉर द कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, असेंशियल कंडीशन है कि पहले एफआईआर हुई हो। नेक्स्ट है विज। विज का मतलब है नेमली। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह यूज होता है कि जब आप मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि देर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ टू इनवोक द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ द कोर्ट, नेमली 1 2 3 आप करते हैं, नेमली डिस्क्लोजर और क्रॉपिंग ऑफ द एविडेंस व्हिच वाज ईदर नॉट इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू प्रोड्यूस दिस एविडेंस और ही कुडंट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो विज का मतलब है नेमली, यानी आगे आप फिर बताते हैं कि 1 2 3 जैसे अरिथमेटिकल ग्राउंड है या
क्लेरिकल मिस्टेक वाली ग्राउंड है। आगे है वीजा भी। अच्छा वीजा भी का मतलब है, इसके दो मतलब है जब ये लॉ के अंदर यूज होता है। वीजा भी का एक मतलब ये है इन रिलेशन टू, जैसे हम यूज करते हैं कि वीमेन सैलरीज आर लो वीजा भी व्हाट मेन अर्न फॉर द सेम वर्क, यानी खवातीन की जो सैलरीज है वो कम है इन रिलेशन टू द मेन। इसी तरह यूज होता है इन कंपैरिजन ऑफ, जैसे दिस ईयर क्रॉप शोन हैज शोन एन इंप्रूवमेंट वीजा भी लास्ट ईयर। तो इन कंपैरिजन ऑफ या इन रिलेशन टू के माने में ये वीजा भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स ऑर्डर। परवर्स ऑर्डर ये है कि ऐसा ऑर्डर जो एविडेंस अवेलेबल है और हैविंग वेट टू डिसाइड द केस उसको इग्नोर करके या अगेंस्ट द रिकॉर्ड जो है वो पास किया जाता है। तो परवर्स ऑर्डर वो ऑर्डर हुआ जो मिसरीडिंग नॉन रीडिंग और इग्नोरिंग दी मिसरीडिंग नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस या इग्नोरिंग दी अवेलेबल एविडेंस करते हुए परवर्स ऑर्डर पास होता है। जैसा कि मुमी तौर पे जैसा मैंने रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब एपीलेट कोर्ट के सामने किसी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है तो अदालत इस तरह एक्सप्रेशन यूज करती है कि दिस कोर्ट hasn't found any perversity in this order, therefore this order is hereby upheld. Next is succinctly. Succinctly अमूमी तौर पे जजेस साहबान जो हैं वो अपना ऑर्डर ड्राफ्ट करते वक्त आगाज में ही इस्तेमाल करते हैं, या लॉयर्स हजरात अपनी ड्राफ्टिंग करते वक्त आगाज में इस्तेमाल करते हैं। succinctly का मतलब ये है इन अ ब्रीफ एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी वट एवर इज गोइंग टू बी रिटन आगे जो लिखने जा रहे हैं वो succinctly यानी ब्रीफली बयान किया जा रहा है और क्लियरली बयान किया जा रहा है। विशिएटेड का मतलब ये है कल अदम करार देना, जैसा ये टाइम विशिएट हो गया प्रोसीडिंग विशिएट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्ट की गई थी प्रोसीडिंग दे वार इलीगल और ऐसी इलीगैलिटी कमिट हुई थी जो कि इनक्योरेबल थी। जैसा कि हम कहते हैं कि ट्रायल हैज बीन विशिएटेड because of non-recording of statement of accused under section 342, यानी ये जो ट्रायल है इसे कलतम करार दे दिया गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई थी। अच्छा क्वैश का मतलब है rejected as invalid, यानी ये उस वक्त लफ्ज का इस्तेमाल होता है जब किसी चीज का मतलब ही कलतम करार देना है और invalid करार देना है। जैसे हम लिखते हैं कि due to material illegality this FIR has been क्वेश्ड, जैसे 561 A के तहत सीआरपीसी के क्वेश्चमेंट एफआईआर होती है हाई कोर्ट से। आगे एज अ कोरोलरी, एज अ कोरोलरी का मतलब यह है मंतकी नतीजा के तौर पर, यानी एक चीज एस्टैब्लिश होगी और उसके नतीजे में अगली चीज होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि द एफआईआर व्हिच वाज लॉज्ड दैट वाज ऑफ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब जब 24/7 को पुलिस रूल 1934 हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कैंसिलेशन की एक ग्राउंड है कि अगर आपने नॉन कॉग्निजेबल को कॉग्निजेबल बना के एफआईआर दे दी है तो वो कैंसिलेबल है। तो अगर हम ये कहते हैं दी ऑफेंस ऑफ विच एफआईआर वाज लॉज दैट वाज नॉन कॉग्निजेबल, तो आगे हम लिखें एज अ कोरोलरी दैट इज कैंसिलेबल। यानी ये बात चूंकि लिख दी गई है लॉ में कि अगर नॉन कॉग्निजेबल की कॉग्निजेबल बना के एफआईआर दे दी गई है तो मंतकी नतीजा पर तौर पर वो कैंसिलेबल है। आगे लेटर्स पेटेंट, इस टर्म के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए कोई प्रेसिडेंट मोनार्क या हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी पर्सन को या कॉर्पोरेशन को कोई पावर देता है या ऑफिस कोई उसे देता है। दूसरा इसका मतलब है जो विद रेफरेंस टू दी सेक्शन 98 ऑफ सीपीसी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है लेटर्स पेटेंट से मुराद ये है इंट्रा कोर्ट अपील। यानी पहले लफ्स ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 से पहले जो इंट्रा कोर्ट अपील के लिए लफ्स इस्तेमाल होता था वो लेटर्स पेटेंट होता था। यानी अगर हाई कोर्ट के एक जज ने कोई फैसला दिया है तो आप उसके दो या तीन जजेस के सामने उस फैसले को लेटर्स पेटेंट के तहत जो है उसे चैलेंज कर सकते थे। नेक्स्ट है मूड पॉइंट। मूड पॉइंट का मतलब ये है पॉइंट अंडर डिस्कशन, यानी अदालत जिस पॉइंट पर फैसला करने जा रही है जो डिबेटेबल है, जो डिस्प्यूटेड है, जो कंट्रोवर्शियल है बिटवीन द पार्टीज और ओवर विच लॉ कोर्ट हैज बीन रिक्वेस्टेड टू
पास इट्स डिसीजन उसको हम कहते हैं मूड पॉइंट। ये 13 टर्म थी जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है आपको कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो चुकी है। थैंक यू सो मच।